जनपद के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतरिम सूची मंगलवार को देर शाम जारी कर दिया गया है। सुबह से ही विकास भवन में सूची को लेकर गहमा गहमी मची हुई थी। सूची जारी होने के बाद उसे विकास भवन के दीवालों पर चस्पा किया गया, जिससे लोग अपने अपने क्षेत्र का आरक्षण देखने में जुटे हुए हैं। नई लिस्ट के अनुसार 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आरक्षण की सूची शासन के गाइडलाइन के अनुसार जारी की गई है। सूची पर 4 से 8 मार्च तक आपत्ति किया जा सकता है। आपत्ति विकास भवन डिवीजन ऑफिस में भी दे सकते हैं और ब्लॉक ऑफिस में भी दे सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 मार्च को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, 11 फरवरी 2021 के अनुसार गोरखपुर में जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो आज पूरी कर ली गई है और उसका प्रकाशन भी कर दिया और उसमें जो कार्रवाई की गई है उसकी जो बेसिक चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और जो फैक्ट बाकी है एक एक डिटेल ग्राम का वो मेरे DPRO साहब आपसे बात करेंगे या ADPRO साहब अभी आपसे पूरा डिटेल में बात करेंगे। पूरा जो आरक्षण का प्रक्रिया अभी हमने प्रकाशित कर दी है। 1704 क्षेत्र पंचायत के वार्ड हैं उनके आरक्षण है और 1294 ग्राम प्रधान हैं जो हमारे हैं गोरखपुर में उनके लिए आरक्षण को जारी कर दिया गया। इसके अलावा जो 20 प्रमुख हैं हमारे जो ब्लॉक उनके भी जो हमने आरक्षण के लिए अभी प्रकाशित कर दिया और टोटल 16372 हमारे ग्राम पंचायत के वार्ड हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली और अभी जितने भी हमारे नोटिस बोर्ड हैं ब्लॉक्स के और जो हमारा यहाँ का नोटिस बोर्ड है सब पे हम लोगों ने उसको डिस्प्ले की कार्रवाई अगले 1 घंटे में पूरी कर दी जाएगी। फोटो स्टेट हो रही है वो लगा दी, ये प्रक्रिया पूरी कर दी है और इसके जो डिटेल्स हैं आपको वो आप लोगों से भी शेयर कर लेंगे। हम आज त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उससे संबंधित 1294 ग्राम प्रधानों, उसके अलावा 1704 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 68 जिला पंचायत वार्ड, 20 प्रमुख और 16404 ग्राम पंचायत वार्डों का आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, अगर किसी को कोई समस्या लग रही हो या किसी को कोई भी प्रश्न चिन्ह हो तो वो 4 मार्च से 8 मार्च तक अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। पुनः 9 मार्च से 12 मार्च तक उनके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 14 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित करके 15 मार्च तक इसे निदेशालय भेज दिया जाएगा। वो आरक्षण का जो गाइडलाइन डिटेल गाइडलाइन जो जारी हुआ था उसके तहत जो ग्राम पंचायतें या क्षेत्र पंचायत वार्ड या जिला पंचायत वार्ड या ग्राम पंचायत वार्ड जो भी 1995 से 2015 तक सबसे पहले SC कैटेगरी में जो भी ग्राम पंचायतें आरक्षित नहीं हुई थी उसे सबसे पहले SC कैटेगरी में आरक्षित किया गया, यथासंभव किया गया, जहाँ तक अगर संभव न हो तो फिर नहीं किया जा सकता था वहाँ नहीं किया गया। इसके अलावा अगर कोई भी ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के वार्ड अगर OBC में आरक्षित नहीं हुए यथासंभव उसे OBC में आरक्षित किया गया, उसी तरह से अगर महिला कैटेगरी में आरक्षित नहीं हुआ है तो उस कैटेगरी में उसे आरक्षित किया गया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है इस आरक्षण में कि 2015 में जिस कैटेगरी का आरक्षण है वो 2021 में ना हो। उदाहरण स्वरूप अगर किसी ग्राम पंचायत के प्रधान का वार्ड अगर ग्राम पंचायत के प्रधान का अगर पद 2015 में SC के लिए अगर आरक्षित था तो 2021 में वो SC के लिए आरक्षित नहीं हो सकता किसी भी सूरत पे। तो इस चक्रानुक्रमण प्लस कभी भी आज तक जिस कैटेगरी में नहीं हुआ है उसका समावेश करके शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार इस बार अनंतिम प्रकाशन आरक्षण सूची का किया गया है। सर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण? महिलाओं के लिए हर कैटेगरी में 1/3 कम से कम न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रोविजन है। उसके आधार पर कहीं कहीं 33% से अधिक भी हो सकता है, उसे राउंड फिगर में किया जाता है, पर कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। पहले जैसे जीओ में हर गाइडलाइन को फॉलो किया और हर टाइमलाइन को फॉलो किया, इसमें पहले ब्लॉक के जितने भी यूजर उन्होंने अपने स्तर पर इसको स्टडी पूरा बनाया था, होमवर्क दिया उसको, उसके बाद हमने यहाँ पे सारी टीम यहाँ बुला के उसको क्रॉस चेक किया है, एक दूसरे से क्रॉस चेक कराया और कंप्यूटर में एक्सेल में डाल के सो दिया गया
और इसके अलावा ये जो प्रकाशन है आज की और कल का दिन हमारे पास नहीं था, लेकिन आज ही हमने इसको प्रकाशित कर दिया है। और अभी आपत्तियों का 4 तारीख से 8 तारीख तक का समय है, कोई भी इस पर आपत्ति ले सकता है। और आपत्ति जो है हमारे विकास भवन में भी दी जा सकती है, डीपीएल ऑफिस में भी दी जा सकती है, ब्लॉक में भी दी जा सकती है। और उन आपत्तियों को लेकर हमारी जो कमेटी है उसको सुनेगी, उसको निस्तारण करेगी और उसी के बाद फाइनल पब्लिकेशन 15 मार्च को कर देगी। जो जियो में दिया रखा है हमने सारा उसको फॉलो किया, क्योंकि उसमें गाइडलाइन है कि जिस तरह से पहले करना है। जैसे उसमें गाइडलाइन में पहले शेड्यूल कास्ट लेडीज़ का है, फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट का है, ओबीसी लेडीज़ का है, इस तरह से सारा फॉलो करते हुए हमने संपूर्ण चीज़ों को फॉलो किया और अभी जो हमारे डिस्प्ले बोर्ड पर लग चुके हैं। 40-15 के बाद